हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? फिश खानी है तो आज मैं मौजूद हूँ मुल्क कोगी पे। अच्छा, मुल्क कोगी जो है ना, आप सुन के जो है थोड़ा वैसे सोचने लग जाएंगे कि इसके पीछे क्या साइकी है। मुल्क कोगी बेसिकली, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये कोरियन बर्ड है, और इसके पीछे क्या साइकी है ये इनके ऑनर से पूछेंगे। तो इसकी मेकिंग दिखाता हूँ आपको फिश की, और आपको वराइटीज दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है इनके पास वराइटी है फिशेज की। तो फिर चलते हैं, चल के जो है इसकी मेकिंग देखते हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। उसको मैं टेस्ट करूंगा, हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी तो आप देख सकते हैं इस पोर्शन में जो है ये फिंगर फिश है, और बाकी इन सेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं। सर आप मुझे अगर बता सकें ये ऊपर वाले कॉर्नर पे जो कौन सी फिश है? सर ये मुश्का है। ये मुश्का है, अच्छा। और ये वाली? बिल्कुल मुश्का है, ये कोतर है मछली। कोतर? कोतर जी, थोतर। ये अच्छा कोतर मछली क्या आप पीछे, मतलब ये कहाँ से पाई जाती है, इसकी कोई है ब्रीड कहाँ की होती है? ये एक्चुअली ये अरेबियन सी की है ये। अच्छा बिल्कुल। और दूसरा इस तरफ अगर हम आते हैं ये देखें ये टॉप पे, ये वाली कौन सी फिश है? ये सारम है। सारम जी। और ये वाली कुंड है। कुंड जी, ठीक है। अच्छा आप ये देखें इसके पीछे जो इन्होंने ग्रास लगाया हुआ है आर्टिफिशियली, मतलब एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। अच्छा मुझे आप बता सकते हैं कि ये क्या हिसाब है? ये पर पाव 250 है। और ये वाली मुश्का? ये 200। और ये वाली? ये 200 है और ये 250। ये 250 की है भाई, ये दोनों ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये 250 का है, ये 200 का है, और ये जो है ये 250 का है। चल के जो हम इसको टेस्ट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा और जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जी हमारे साथ जो मुल्क कोगी के ऑनर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र सर। सर आप मुझे बताएं, आपने बड़ी जबरदस्ती एक शॉप खोली है, आप कह लें स्टॉल खोला है फिश का, पहले तो बताएं कि मुल्क कोगी इसके पीछे क्या साइकी है? सर एक्चुअली मुल्क कोगी जो है ये हमने इंस्पायर्ड हुए कोरिया से, ये कोरियन वर्ड है, कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है मुल्क कोगी। इसको कोरियन जबान में कहते हैं फिश मीट जी, बिल्कुल फिश मीट कहते हैं। और क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी कोरिया में रह के आ चुका हूँ, अच्छा अच्छा, तो वहाँ के खानों से बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो वहाँ की जो क्यूजीन है वहाँ की, और हमारी जो पाकिस्तान की है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, अच्छा वो थोड़े लेस स्पाइसी खाते हैं, तो वहाँ की और यहाँ की हमने होममेड मसालों से एक अपनी नई रेसिपी तैयार की है। अच्छा तो आप मुझे बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ये, आपने जो मुल्क कोगी स्टार्ट किया, तो इसके लिए जो स्पाइसेस आप जो इस्तेमाल करते हैं इसमें, और जितना ऑयल होता है, या फिशेज स्पेशली, ये फिशेज कहाँ की होती हैं और ये स्पाइसेस कहाँ की होते हैं, ये होममेड आइटम होता है या जो बाहर से आप खरीदते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मछली का जहाँ तक ताल्लुक है, हम मछली डेली बेसिस पे लेकर आते हैं, बिल्कुल हमारे फ्रेश होती है। हम फिशरी जाते हैं, फिशरी से डेली परचेज करते हैं, ठीक है, और ये डेली की बुनियाद पे हम लगाते हैं। और स्पाइसेस का जहाँ तक ताल्लुक है ये सारे होममेड है, कोई भी हमारा कोई बाहर का ऐसा नहीं है, सारा हम अपने घर में खुद बनाते हैं। मैं और मेरे बड़े भाई यहाँ पर होते हैं, हम खुद अपना घर में तैयारी करते हैं मसालों की, उसके बाद हम पूरी सेटिंग के साथ फिर यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे आप बताएं आपके पास ये फिशेस कौन कौन सी हैं? सर हमारे पास फिंगर होते हैं, मुश्का के फिंगर होते हैं। अच्छा। बिल्कुल जेन्युइन मुश्का के फिंगर हैं, और उसके बाद हम मुश्का जो बिल्कुल फुल
फिश फिश होती है वो है, कुंड होता है, सुरमई होता है, और काफ़ी जो बड़ी माशाल्लाह से अच्छी मछलियाँ होती है जो टेस्टफुल, वो हम मछलियाँ हम सारी रखते हैं। अच्छा, इसमें से आपकी फिशेज में से रनिंग आइटम कौन सा है? सर यहाँ पे है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ज़्यादातर मांगने आते हैं वो कुंड है, मुझका है, और सुरमई है, पापलेट है, ये बहुत दो डिमांड है। तो बाकी आप मुझे बताएं कि आप अपने इस काम को आगे फ्यूचर में कहाँ तक देखते हैं? सर इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे स्पाइसेस जो हैं लोग एक दफ़ा खा के जाते हैं, दोबारा आते हैं, और उसका रिटर्न फीडबैक बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम हमारी आगे कोशिश भी होगी कि हम इस काम को बढ़ाने के बाद जो बढ़ाएं उसके साथ हम अपने जो ग्रिल का जो आइटम है वो भी हम करें। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। दूसरा आप मुझे बताएं, अगर कॉन्टैक्ट नंबर आप बता सकें। सर कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0332-2095-066-066। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आइए चलिए चल के जो हम इनकी फिशेस की मेकिंग देखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फर्स्ट ये जो फिश निकल चुकी है, कौन सी फिश है? मुश्का। ये मुश्का है। अच्छा, इस पे आप ये क्या लगा रहे हैं? कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर लगाने की वजह थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है। अच्छा, तो ये पूरा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग होती है, पूरे पे होती है? एक बार ही पूरे पे हम पहले से भी लगा के रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बाद में भी लगाते हैं कि फ्राई होने से पहले ना थोड़ा सा और लग जाए, क्योंकि हम जब फिश को घर से लाते हैं तो थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर या मसाला आगे पीछे लग जाता है, तो इस पे बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ भी ऐड करते हैं फ्राई होने से पहले। ठीक है। अच्छा, फ्राई जब हो रही होती है तो उसके लिए कितना टाइम दरकार होता है? देखिए, कम से कम 5 मिनट तो चाहिए होता है अच्छी फ्राई होने के लिए ना, क्योंकि फ्राई का मकसद ये है कि अंदर से जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए। अगर अंदर से कच्चा रहेगा तो वो डायरेक्ट जितनी मछली भी फ्रेश हो ना, फिर खाने वाले को मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ना इसकी कोटिंग हो चुकी है, और बकौल इनके के अंदर घर का मसाला था सारा। तो चल के इसको हम टेस्ट करेंगे, वेरी एक्साइटिंग अबाउट दैट। अब ये फ्राई होने लग गई है और फिर देखते हैं कि कितना टाइम इसको लगता है, और साथ साथ उसकी फिर जो है टेस्टिंग भी करते हैं। और ये जो है ये फ्राई होने लग दी गई है। अच्छा, इस पर जो ये जब फ्राई करते हैं तो इसको तेज़ आंच पे रखते हैं या हल्की आंच पे रखते हैं? नहीं, हल्की आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे रखने का मतलब ये है कि ये ऊपर से तो नज़र आएगी कि फ्राई हो गई है, ठीक है, लेकिन अंदर से जो है वो गोश्त जो है वो थोड़ा नरम रह जाएगा। ठीक है, तो हल्की आंच पे ही करेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हींग आती है फिश पे, वो हींग सर इसी वजह से आती है कि वो अंदर से कच्ची रह जाती है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि फ्रेशनेस की वजह से भी, क्या मछली फ्रेश नहीं होगी कच्ची? अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब फिश को फ्राई कर रहे होते हैं उससे पहले उसके ऊपर जितना कट लगाएंगे वो उतना अंदर से जो है नरम और ताज़ा होगी, मतलब उसके पीछे क्या है? कट लगाने की इसका ये कि इसके लगाया जाता है कि जो अंदर तक जो है ना वो फ्राई हो जाए, जो इसका ऑयल है ना वो कट के जरिए अंदर तक चले जाए, उसका जितना भी मीट है ना सब फ्राई हो जाए अच्छी तरह, कच्चा ना रहे, और ताकि इसकी वजह से हीट ना आए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जल के जब तक इसकी मेकिंग देख रहे हैं आप, साथ साथ आप देख सकते हैं कलर आना स्टार्ट हो गया है, और जो आई एम वेटिंग और देन इसको हम टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जो है ना भाई मुश्का फिश आ चुकी है, और एज वेल एज भी आप ये देख सकते हैं फिंगर फिश है। मुश्का फिश जो है ये रही भाई बेहतरीन हो गया, और जो है दूसरा ये है भाई फिंगर फिश। साथ साथ जो है इसके इन्होंने जो है चटनी दी है, और जो है ये लेमन दिए हैं, बहुत ही डेकोरेट करके जो है ना इन्होंने ये प्लेट दी है, ट्रे दी है। अब चलते इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं, हमारे साथ रहिए, और जो है स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले ये हम फिंगर फिश से स्टार्ट करते हैं, और ये आप देख सकते हैं भाई ये बेहतरीन हो गया, ये रही कितने अंदर तक जो है कितनी पूरी जो है फ्राई हुई हुई, और बहुत ही जो है ऑसम है, स्मेल जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसको हम टेस्ट करते हैं, इसे चटनी से लगा के खाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह बहुत आला, लिटरली इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, और जो आप ये देखें इसका नींबू दिया है, हाँ भाई बेहतरीन हो गया, और जो है पता भी नहीं चल रहा ये फिश है, क्योंकि इसकी स्मेल एक तो बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा ये कि जो हींग आ रही होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ये फ्राई की है। इसका स्पाइस जो है सारी चीज़ें इसके अंदर फिंगर फिश में अप टू दी मार्क है। एक एक मसाला होता है ना आपका घर का बना हुआ, जिसके अंदर जो है जीरा, काली मिर्च और एज वेल एज नमक, सब चीज़ों का मिक्सचर होकर जो उन्होंने इसके ऊपर से कोटेड करके दिया है, बहुत आला है भाई। और ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, आई रियली रिकमेंड यू कि जो है आप जब भी यहाँ पे आएँ नागन सुरंगी पे तो मुल्क कोगी को ज़रूर ट्राई करें, ये जो है फिंगर फिश इसको बढ़ते हो गया। सेकेंड, अब इसकी बारी है,
मुश्का की, तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं। ओ हो भाई, ये देखिए बेहतरीन, स्टार्ट कर लेते हैं इससे। और इतनी सॉफ्ट है यार ये, बहुत ज़बरदस्त है। और तो गरम 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 गरम, ऊपर से चटनी, इसका लिटरली अलग मज़ा होता है। और साथ साथ ये कि जो है, जब भी आपका चक्कर लगे नागन चुरंगी पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, साथ साथ जो इनके दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी शेयर कर दूंगा। और दूसरा ये कि भाई जो इसकी चटनी है ना, चटनी बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा जो है बस ये दिल चाह रहा है कि मैं उसको खाता रहूँ, क्योंकि जिस तरीके से, पहली बात तो ये सर्व करके दिए, बहुत आला, ठीक है। आपका भाई जो है ना, अगर ये फिश खानी है ना आपको, तो यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं। दिस मुल्क होगी इज़ रियली गुड फॉर योर मूड, और जब भी यहाँ आए तो ज़रूर खाएं। और सारे स्पाइसेस भाई इसके अंदर भी, एज वेल एज यहाँ इसके अंदर फिंगर फिश भी, सब अब थोड़ी मार्क हैं। और दिल जीत लिया। और बस ये कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। इस दुआ से, इस वीडियो का अख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह हम सब के रिस्क में इजाफा अता फरमाए। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अल्लाह ने की बात।